हे गाइस, माइक्रोसॉफ्ट ने आज ही रिलीज किया है विंडोज 11 का एक न्यू अपडेट। इस अपडेट को मैंने अपने पीसी में डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया है। अगर इसका बिल्ड नंबर दिखाऊं तो इसका बिल्ड नंबर है 22533.1001। तो देखते हैं कि इस बिल्ड में कौन कौन से चेंजेस, इम्प्रूवमेंट और फिक्सेस हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो बात करते हैं चेंजेस और इम्प्रूवमेंट की। तो जिसमें पहला चेंजेस है, माइक्रोसॉफ्ट ने डिसेबल कर दिया है वेदर विजिट को, जो कि कुछ इंसाइडरों को पिछले अपडेट में दिया गया था। लेकिन इस वेदर विजिट को अब रोल आउट किया जा रहा है, जिससे कि जितने भी इंसाइडरों को जो वेदर विजिट दिखने को मिल रहा था अपने टास्क बार में लेफ्ट साइड में, वो अब इस अपडेट के बाद देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट अब प्रोवाइड कर रहा है ISO फाइल फॉर दिस बिल्ड। तो आप इस बिल्ड का ISO फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली आपको इस लिंक पे जाना है। मैं इस लिंक को आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वहाँ से आप इस बिल्ड का ISO फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हो। आपको सिंपली यहाँ पे जाना है और यहाँ नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे अपने एडिशन को सिलेक्ट करना है, जो कि है बिल्ड 22533 लेटेस्ट बिल्ड। इसको कन्फर्म करके लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है और डाउनलोड कर लेना है। नेक्स्ट चेंज की बात करें, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के फ़ोन ऐप को यूज़ करते हो, जिससे आप अपने फ़ोन को अपने विंडोज़ पीसी पे यूज़ करते हो, तो उसमें अगर आप कॉलिंग फीचर को यूज़ करते हो तो आपको एक नया कॉल एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको कुछ इस तरीके की विंडो अपडेट की गई है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने इसके UI और इंटरफेस को चेंज किया है। अब बात करते हैं मेन चेंजेस और इम्प्रूवमेंट की, जो कि आपको इस बिल्ड में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला चेंजेस, आपको हार्डवेयर इंडिकेटर के डिज़ाइन को अपडेट किया गया है, जिसमें ब्राइटनेस, वॉल्यूम, कैमरा प्राइवेसी, कैमरा ऑन ऑफ और एयरप्लेन मोड के डिज़ाइन को अपडेट कर दिया है। अभी मैं दिखाऊं तो अगर आप वॉल्यूम की को प्रेस करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये इसका जो डिज़ाइन है वो चेंज कर दिया है। पहले कुछ अलग था, पहले का डिज़ाइन दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का देखने को मिलता था। और इसी तरीके से जो ब्राइटनेस है, सेम इसी तरीके का डिज़ाइन कर दिया गया है। उसके साथ साथ कैमरा ऑन ऑफ और एयरप्लेन मोड और कैमरा प्राइवेसी के जो फ्लाई आउट विंडो है उनको अपडेट कर दिया गया है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। नेक्स्ट चेंज की बात करें तो जो वॉइस एक्सेस था, उसको आप टास्क बार में पिन कर सकते हो। राइट क्लिक करना है और टास्क बार पे पिन कर देते हो, जिससे कि आप वॉइस एक्सेस को आसानी से ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट चेंजेस की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट रोल आउट कर रहा है सभी 13 टच कीबोर्ड थीम, इमोजी पैनल और वॉइस टाइपिंग को। जो भी विंडोज इंसाइडर हैं, जो भी डेप चैनल में रजिस्टर्ड हैं, उनको यह रोल आउट किए जा रहे हैं। नेक्स्ट, जब आप प्रेस करोगे विंडो की प्लस एक्स या स्टार्ट मेन्यू पर राइट क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपको पहले लिखा दिखता था कि ऐप एंड फीचर्स, उसकी जगह पे आप इंस्टॉल्ड ऐप लिखा दिखेगा। इस बिल्ड में अब आप जो क्लॉक ऐप है उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। इस पर डायरेक्टली राइट क्लिक करना है और अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो अब बात करते हैं फिक्सेस की, जिसमें जो फिक्स नंबर फर्स्ट है, बहुत सारे यूज़र हैं जो कि फर्मवेयर अपडेट करते या ड्राइवर अपडेट करते में उनको एक एरर देखने को मिल रहा था, जिसका एरर कोड है 0x800702A। तो इस इश्यू को फिक्स कर दिया गया है। बहुत सारी इंसाइडर हैं जो कि फीडबैक हब ऐप को साइन इन नहीं कर पा रहे थे, तो इस बिल्ड में उस इश्यू को भी फिक्स कर दिया गया है। नेक्स्ट फिक्स विंडोज सिक्योरिटी ऐप से है, जिसमें एक्सप्लॉइट प्रोटेक्शन डिस्क्रिप्शन का जो टेस्ट है वो विंडोज 10 की जगह विंडोज को रेफर करेगा। कुछ इंसाइडरों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि उनका जो कैमरा और मोबाइल फ़ोन के जो फोटोज़ थे वो फोटोज़ ऐप में इंपोर्ट नहीं हो रहे थे, जो कि 0 शो कर रहे थे। लेकिन इस फिक्स को, इस एरर को अब इस बिल्ड में फिक्स कर दिया गया है। नेक्स्ट फिक्स विंडोज सैंडबॉक्स से रिलेटेड है। जब आप सैंडबॉक्स को क्लोज करते हो और दोबारा लॉन्च करते हो, जिससे कि आपके टास्क पर में दो सैंडबॉक्स आइकन देखते थे, लेकिन इस बिल्ड में अब इसको फिक्स कर दिया है। अब आपको एक आइकन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट फिक्स टास्क बार से रिलेटेड है, जिसमें जो वाईफाई का आइकन है वो अब रिडाइवर रहेगा और यहाँ पर अपीयर होने लगेगा। जब आप मल्टी मॉनिटर को यूज़ कर रहे होते हो और डेट और टाइम पर राइट क्लिक करते हो, तो बहुत सारे यूज़र हैं जिन्होंने नोटिस किया कि जब वो राइट क्लिक करते हैं अपने डेट और टाइम पर, तो उनका जो एक्सप्लोर है वो क्रैश कर जाता था। तो इस बिल्ड में इसको भी फिक्स कर दिया गया है। जब आप कंट्रोल बटन को
होल्ड करके रखते हो और अपने माउस के कर्सर को अपने टास्क व्यू आइकन पर ले जाते हो, तो उसका जो एक्सप्लोरर डॉट ई एक्स है वो क्रैश हो जाता था। लेकिन इस एरर को भी इस बिल्ड में फिक्स कर दिया गया है। तो नेक्स्ट फिक्स सेटिंग ऐप से रिलेटेड है, जिसमें बहुत सारी यूज़र हैं जो कि जब आप इंस्टॉल्ड ऐप को एक्सेस या स्टार्टअप ऐप या डिफॉल्ट ऐप पेज को एक्सेस कर रहे थे, तो उनका जो सेटिंग ऐप है वो क्रैश कर जा रहा था, तो इस इश्यू को भी फिक्स कर दिया गया है। तो नेक्स्ट फिक्स सेटिंग ऐप से रिलेटेड है, जिसमें आप व्हील पेज पे होते हो, तो अगर आप इस व्हील पेज को यूज़ कर रहे होते हो तो कुछ कुछ यूज़रों को जो सेटिंग ऐप है वो क्रैश कर रहा था, तो इसमें अब इस एरर को भी फिक्स कर दिया गया है। जब आप कोई सॉन्ग प्ले कर रहे होते हो तो और आप अपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे होते हो, तो बार बार जो क्रैकल का साउंड आता था अब वो रिमूव कर दिया गया है। अब एक ही बार क्रैकल का साउंड बजेगा और आप आसानी से अपने साउंड को और बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। तो जो क्रैकल का साउंड बार बार आता था बार बार बटन प्रेस करने पे, तो वो अब नहीं आएगा। नेक्स्ट फिक्स विंडोइंग से रिलेटेड है, जिसमें जब आप ऑल्ट टैब में माउस के कर्सर को किसी भी विंडो पे ले जाते हो तो उसके जो टाइटल है वो पूरा आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट फिक्स इनपुट से रिलेटेड है, जब आप वॉइस टाइपिंग को यूज़ करते हो और माइक्रोफोन के आइकन पे टैप करते हो, तो जो वॉइस टाइपिंग लॉन्चर है वो बार बार अपियर होता था, तो इस बिल्ड में उसको फिक्स कर दिया गया है। इसमें अब आपका जो वॉइस टाइपिंग लॉन्चर है वो बार बार रीअपियर नहीं होगा। नेक्स्ट फिक्स इनपुट से ही रिलेटेड है, जिसमें जो इनपुट स्विचर एक्सपीरियंस है उसको अपडेट कर दिया है, जिसमें से आपके जो एक्सेसिबिलिटी है मैग्नीफायर और नैरेटर को यूज़ करने की अब वो बहुत बढ़िया कर दी गई है। तो इतना ही था इस वीडियो में, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें विंडोज़ 11 से रिलेटेड हेल्पफुल ट्यूटोरियल देखने के लिए, और विजिट करें मेरी वेबसाइट howtomovipc.com लेटेस्ट विंडोज़ आर्टिकल को रीड करने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।